छात्रों, कक्षा 11वीं के व्यवसायिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण। सेवाओं का बाह्य स्रोतीकरण इससे तात्पर्य यह है किसी भी व्यापार व्यवसाय उद्योग में ऐसी आवश्यकताएं या ऐसी जरूरतें जो उन सब स्वयं व्यवसाय के द्वारा पूरी ना करके बाहर से उनको परचेज किया जाए। जैसे उदाहरण के लिए यदि एक व्यवसाय में या एक कार्यालय में हमें कर्मचारियों की आवश्यकता है तो यहाँ पर व्यवसाय या उस कार्यालय का स्वयं का दायित्व है कि वो कर्मचारियों की भर्ती स्वयं करे। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस व्यवसाय का या उस कार्यालय का जो मूल काम है, मुख्य काम जो है उत्पादन से जुड़ा हुआ, वो काम छोड़ के उसको भर्ती की तरफ, कर्मचारियों की भर्ती की तरफ ध्यान देना होगा। तो कुछ ऐसी संस्थाएं होती है, उदाहरण के लिए जैसे विज्ञापन की बात करें तो विज्ञापन के लिए भी हम बाह्य सेवाएं, बाहर से लोगों की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं जो इस कार्य को करते हैं। इस प्रकार से व्यवसाय में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो स्वयं उत्पादनकर्ता के द्वारा ना करके बाहर से, आउटसोर्सिंग जिसको हम कहेंगे, बाह्य माध्यमों से उसको पूरा कराया जा सकता। तो इस यहाँ पर जो हम देखेंगे व्यवसाय के वैश्वीकरण के इस समय में व्यवसायिक प्रतियोगिता निरंतर बढ़ रही है। इसके लिए आवश्यक है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों एवं लागतों में कमी की जाए और उपभोक्ता कम से कम कीमत पर बेहतर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं उपभोक्ता को। तो वर्तमान समय में, वैश्वीकरण के समय में बहुत ज़्यादा प्रतियोगिताएँ जो बढ़ रही हैं उत्पादन को लेकर, तो यहाँ पर जो है उत्पादक के लिए सबसे मुख्य चीज़ आवश्यक है कि वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत है वो कम से कम लागत में उपभोक्ता तक पहुंचाई जाए। इसके लिए आवश्यक है कि कंपनी या उत्पादनकर्ता को केवल मूल व्यवसायिक क्रिया पर अपनी शक्ति व्यय करना चाहिए जिनसे व्यवसाय को विशिष्टता प्राप्त हो। तो यहाँ पर चाहिए कि कंपनी या उत्पादनकर्ता जो है उसका जो मूल कार्य है अपने उत्पादन को लक्ष्य तक पहुँचाना और जो उसका विशिष्ट उद्देश्य है कंपनी का, उस उद्देश्य को प्राप्त करना। तो यहाँ पर उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी ताकत जो है वो उसी कार्य में लगाए जिससे व्यवसाय को विशिष्टता प्राप्त हो। अर्थात एक उपक्रम को व्यवसाय से जुड़े हुए मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देकर अन्य कार्यों को बाहर के आपूर्तिकर्ताओं से अन्य आवश्यकताओं को पूरा कराया जाता है। जैसे कच्चा माल खरीदना है तो बाहर की जो एजेंसी या संस्थाएं हैं जो कच्चा माल उपलब्ध कराती हैं उनसे संपर्क करके कच्चा माल प्राप्त। ये जो इस प्रकार की सेवाएं हैं ये बाह्य स्रोतीकरण कहलाता है, अर्थात बाहर से आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करना। और यहाँ पर जो है कंपनी या उत्पादनकर्ता जो है अपना मूल ध्यान, मूल शक्ति जो है वो पूरे अपने मूल कार्यों में यहाँ पर, इसका जो आशय है बाह्य स्रोतीकरण सेवाओं का आशय, ये जो है बाह्य वेंडर आवर्ती धारा पर आधार पर एक ऐसी सेवा प्रदान करता है जो घर में संपन्न की जा सके। वेंडर आवर्ती आधार अर्थात हम बाहर से उन सेवाओं को खरीदते हैं। परिभाषा जो है बाह्य स्रोतीकरण सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित एक अधिक व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बाह्य आपूर्तिकर्ताओं को सौंपना, दूसरे शब्दों में बाह्य स्रोतीकरण ऐसी गौण प्रशासनिक कार्यों को सौंपना है जो व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक तो होते हैं परंतु मूल व्यवसाय में भाग नहीं होते। अर्थात ऐसे कार्य जो उत्पादनकर्ता के लिए या कंपनी के लिए उन कार्यों को करना जरूरी नहीं है, बहुत आवश्यक नहीं है, वो उन कार्यों को या उन सेवाओं को बाह्य स्रोतों से प्राप्त करता है और अपना मूल ध्यान जो है, जो अपना ध्यान है पूरे समय वो मुख्य कंपनी के उत्पादन पर लगाता है। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि बाह्य स्रोतीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंपनियां अपना ध्यान व्यवसाय की उन क्रियाओं पर केंद्रित करती है जो उन्हें प्रतियोगात्मक लाभ प्रदान करती है तथा गैर मूलक या कम आवश्यक क्रियाओं वाले कार्य को फर्म जो है वो अन्य एजेंसी या अन्य संस्थाओं को ठेके पर या कॉन्ट्रैक्ट पर दे देती है। तो इस प्रकार से बाह्य स्रोतीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें अपने गैर मूलक कार्यों को
दूसरी एजेंसी या संस्थाओं को सौंप देती है और अपना सारा ध्यान जो है उन मुख्य क्रिया पर लगाती है जो उसका उद्देश्य से जुड़े हुए। तो ये जो है बाह्यस्तुतिकरण से आशय है। इसके बाद इसकी जो विशेषताएं हैं, लक्षण, नंबर एक ठेका देना, व्यवसाय से जुड़े हुए विभिन्न आवश्यकताएं या सेवाओं को बाहर विशिष्टता प्राप्त एजेंसी को ठेके पर दी जाती है, जैसे कर्मचारियों की भर्ती करने का कार्य किसी एजेंसी को दे दिया जाए या संस्था के उत्पादन के प्रचार प्रसार का कार्य जो है वो कोई विज्ञापन एजेंसी को दे दिया जाए, किसी से जुड़ा हुआ पर पैकिंग वगैरह का कार्य है उत्पादन से वो भी किसी को ठेके पर दे दिया जाए। जैसे खासतौर पर हम रेलवे विभाग में देखते हैं कि रेलवे से जो बहुत सारी सेवाएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कैंटीन या कस्टमर को जो है कपड़े उपलब्ध कराना, गद्दे पल्ली वगैरह ये सब, या भोजन चलती ट्रेन में उपलब्ध कराना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो रेलवे डिपार्टमेंट बाह्य सोर्सों को सौंप देता है। तो ये प्रक्रिया जो है ठेका देना। दूसरा जो है गैर मूलक कार्यों का स्त्रोतीकरण। जो क्रियाएं व्यवसाय की दृष्टि से आवश्यक नहीं होती वो गैर मूलक कार्य कहलाते हैं। जो व्यवसाय में मुख्य रूप से जुड़ी से संबंधित तो हैं लेकिन बहुत जरूरी नहीं है कि वो उत्पादनकर्ता के द्वारा ही किए जाएं, वो गैर मूलक कार्य हैं। जैसे दवा बनाने वाली कंपनी अपने अकाउंट से संबंधित कार्यों को लेखा कंपनी को सौंप देती है। अब उसका कार्य क्या है, मुख्य रूप से दवा बनाने का काम है, तो ऐसी स्थिति में वो अपने जो अकाउंट से जुड़े हुए काम है, हिसाब किताब से संबंधित काम है, वो लेखा कंपनी को सौंप देती है। फिर उत्पादकता में वृद्धि, उपक्रम जो है गैर मूलक कार्यों को अन्य एजेंसियों को सौंप कर कंपनी अपना सारा ध्यान मूल क्रियाओं में लगाती है जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। फिर श्रेष्ठ किस्म, यहाँ पर जो है गैर मूलक कार्यों को जब एक उपक्रम संस्था जो है वो दूसरी एजेंसियों को दे देती है तो और बाकी समय जो है अपना पूरा उत्पादन पर ध्यान लगाती है, तब यहाँ पर वस्तु की किस्मत में क्या होती, क्वालिटी में सुधार भी होता है। इसी से व्यवसाय का विस्तार, व्यवसाय की मूल क्रियाओं पर ध्यान दिया जाता है जिससे व्यापार व्यवसाय का विस्तार एवं विकास होता है और इसी प्रकार से जीवन स्तर में सुधार, अन्य एजेंसियों के कर्मचारियों को भी रोजगार की प्राप्ति होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जीवन स्तर में सुधार भी होता है। तो बाह्य स्त्रोतीकरण की प्रकृति या लक्षण या जो विशेषताएँ हैं वो ये हैं। अब इसके आवश्यकता या लाभ हम देखें, वही चीज़ें, मूल व्यवसाय पर अधिक ध्यान दिया जाता है, गैर मूलक कार्यों को अन्य फर्मों को सौंपकर मूल व्यवसाय पर ध्यान देते हैं। फिर लागत में कमी, यहाँ पर जो है आपूर्तिकर्ता एजेंसी कम लागत पर श्रेष्ठ मूल लागत में कमी आती है, जैसे अन्य एजेंसियों से यदि रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदते हैं तो उनका कार्य ही है उत्पादन के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, तो वो कम से कम लागत पर श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान करती है। यदि हम स्वयं कच्चे माल को तैयार करेंगे तो ऐसी स्थिति में लागत बहुत ज़्यादा आएगी, तो लागत में यहाँ पर कमी होती है। फिर आवश्यक निर्देशन एवं दक्षता, कंपनी को कर्मचारियों की भर्ती व प्रशिक्षण पर कम ध्यान देना पड़ता तथा आपूर्तिकर्ता एजेंसी से आवश्यक निर्देशन व दक्षता प्राप्त हो जाती है। कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती करना, उनको प्रशिक्षित करना जो है वो संबंधित एजेंसियों को दिया जाता है कार्य, तो यहाँ पर जो है उनके द्वारा समय समय पर आवश्यक निर्देश भी प्राप्त होते हैं। फिर प्राप्तियों में वृद्धि, कंपनी अपने नए उत्पाद का विकास करके, नए बाजार की खोज करके तथा ग्राहक सेवाओं का विस्तार करके अपनी बिक्री एवं बाजार में प्रतियोगिता बढ़ाती है और प्राप्तियां यहाँ पर क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं और इसी से व्यवसाय का विस्तार। बाह्य सेवा में वेंडर ग्राहकों की बदलती आवश्यकता को पूरा करने वाली सेवाएं प्रदान करती है जिससे व्यवसाय का विकास और विस्तार होता है। तो ये बाह्य स्त्रोतीकरण की आवश्यकता है या लाभ है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि मूल व्यवसाय पर उत्पादनकर्ता अधिक ध्यान देता है, बाह्य एजेंसियों से विभिन्न प्रकार की आपूर्ति होती है तो इसकी लागत में कमी आती है। अब यहाँ जो प्रकार है, किस किस प्रकार की सेवाएं जो है बाह्य स्त्रोतीकरण के माध्यम से उत्पादनकर्ता या कंपनी प्राप्त करती है, जैसे वित्तीय सेवाएं हो गए, जैसा कि हम जानते हैं किसी भी उत्पादन के लिए कंपनी के लिए जो है पूंजी बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखती है, बगैर पूंजी के जो है हम व्यापार व्यवसाय या उद्योग या कंपनी की कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ वित्त प्रबंधन हेतु
वित्त विशेषज्ञों की सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कंपनी अपनी वित्त की पूर्ति अंश या ऋण पत्र से या बैंक से करता है, जिसके लिए विभिन्न कानूनी प्रक्रियाएं करनी होती हैं, इसके लिए कुशल वित्त विशेषज्ञ की जरूरत होती है। वहीं अन्य वित्तीय कार्य जैसे लेखे बनाना, लेन देन का हिसाब रखना, वेतन संबंधी व्यवस्था हेतु बाहर से सेवाएं लेना। तो यहाँ वित्त प्रबंधकों की, वित्त विशेषज्ञों की सेवाओं की हम बाहर से अपनी आपूर्ति करते हैं। यहाँ पर कंपनी जो है अपने पूंजी की पूर्ति जो है, वित्त की पूर्ति अंश या ऋण पत्र या बैंक से करता है। ये प्राप्त करने के लिए उसको विभिन्न प्रकार की कानूनी प्रक्रियाएं करनी होती हैं। इस स्थिति में उसको कोई कुशल वित्त विशेषज्ञ की जरूरत होती है। तो उसके साथ जुड़े कार्य जैसे अकाउंट तैयार करना, लेन देन का हिसाब रखना, वेतन संबंधी व्यवस्था हेतु बाहर से सेवाएं लेना, तो ये सब वित्तीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। तो एक कंपनी या उपक्रम आउटसोर्सिंग से प्राप्त कर सकती है बाह्य सेवाओं से। दूसरा बताया जैसे विज्ञापन सेवा, वर्तमान में प्रचार प्रसार का समय जो है एक उत्पादनकर्ता के लिए जो है अपने उत्पादन का प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है। कंपनी अपने उत्पाद के प्रचार प्रसार हेतु वह विज्ञापन एजेंसी की मदद से प्रभावशाली लुभावने विज्ञापन तैयार कराती है ताकि ग्राहक उत्पादन के प्रति आकर्षित हो। चूंकि विज्ञापन की लागत जो है अधिक होती है, अब एक कंपनी जो है स्वयं अपने उत्पादन का यदि विज्ञापन करती है तो उसकी लागत जो है उसके हिसाब से क्या होगी, उसको बढ़ जाएगी। लेकिन जिसका कार्य है विज्ञापन एजेंसी, यदि जिसका कार्य है कि विज्ञापन का ही कार्य करती है, तो वो कम से कम लागत पर जो है बेहतर से बेहतर विज्ञापन तैयार करके कंपनी या उत्पादनकर्ता को दे देता है। तो इसमें डिजाइन, माध्यम, समय, स्थान आदि की व्यवस्था करनी होती है। एजेंसी जो है टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट, पत्र पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन कंपनी की ओर से तैयार करती है। दूसरी प्रकार की जो आउटसोर्सिंग सेवा है वो है विज्ञापन सेवा। फिर देखते हैं हम कोरियर सेवा, डाक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना। तो हल्का एवं भारी सामान उत्पादन के आदि को लाने ले जाने के लिए डाक व्यवस्था कोरियर सेवा के अंतर्गत आती है। इस कार्य को करने के लिए यदि कंपनी अपने व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उसकी लागत क्या है, बहुत अधिक आती है। ये कार्य जो है बाह्य सेवा कोरियर के माध्यम से कराई जा सकती है। अब डाक को लाने ले जाने का कार्य यदि कंपनी या उत्पादन करता स्वयं अपना व्यक्ति लगाकर इस कार्य को करता है तो ऐसी स्थिति में लागत उसकी बहुत अधिक आती है। तो यहाँ पर जो बाह्य सेवाएं हैं कोरियर का कार्य करती हैं, जो डाक लाने ले जाने का कार्य करती हैं, उनके माध्यम से जो है कंपनी या उत्पादनकर्ता कोरियर से संबंधित कार्यों को करती है। फिर चौथा है ग्राहक समर्थित या सहायता सेवा। ग्राहक समर्थित अर्थात ग्राहक के हित में, ग्राहक के लिए सूचना एवं संचार तकनीकी के विकास से BPO का बड़ा तेजी से प्रसार हुआ, जिसमें कॉल सेंटर प्रमुख हैं। ये कंपनी के ग्राहकों को विभिन्न मशीन एवं उत्पादनों के चालन एवं रखरखाव हेतु नियमित परामर्श की आवश्यकता होती है। ये एजेंसी ग्राहकों की समस्या को दूर कर उन्हें संतुष्ट करती हैं। इन सेवाओं का तेजी से विकास हुआ है। ये कॉल सेंटर जो है ग्राहक उन्मुख आधारित सेवाएँ प्रदान करती है। अर्थात एक कंपनी या उत्पादनकर्ता जो विभिन्न प्रकार के उत्पादनों को करता है और उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है, उसका चालन किस प्रकार से करना है, रखरखाव मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, इस सब के परामर्श के लिए जो है कंपनी ग्राहक कॉल सेंटर को ये कार्य सौंपती है। और कॉल सेंटर जो है ग्राहकों की समस्याओं को दूर करती है। जो भी उत्पादन है उसका रखरखाव मेंटेनेंस किस प्रकार से करना है, यदि उसमें कोई टूट फूट आ जाती, कोई खराबी आ जाती है तो कॉल सेंटर के माध्यम से उसको दूर किया जाता है। तो ये कॉल सेंटर जो है ग्राहक उन्मुख वाणी आधारित सेवाएं प्रदान करती है, मतलब ग्राहक की तरफ से जो उनकी समस्या है उस समस्या को दूर करने से संबंधित सेवाएँ जो है ग्राहक समर्थित या सहायता सेवा के अंतर्गत आती है। इसके अलावा अन्य सेवाएँ जैसे चिकित्सा परामर्श सेवा वगैरह हो गई, टेक्निकल सेवा हो गई, डाटा रिसर्च संबंधित हो गए, बाजार सर्वेक्षण आदि सेवाएं भी सम्मिलित हैं। तो ये जो हैं ये तमाम प्रकार की जो सेवाएं हैं ये आउटसोर्सिंग बाह्य स्रोत से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, जो कि कंपनी या उत्पादनकर्ता बाहर से इन सेवाओं को प्राप्त करता है और अपना सारा समय और ध्यान जो है अपने मूल उत्पादन को बढ़ाने में लगाता है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण से क्या आशा है परिभाषा दीजिए, सेवाओं के बाह्य स्रोतीकरण की विशेषता को समझाइए,
और सेवाओं के बाह्य स्त्रोतीकरण की आवश्यकता, लाभ या महत्व को समझाइए। चौथा, सेवाओं के बाह्य स्त्रोतीकरण के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, विज्ञापन, कोरियर सेवाएं व ग्राहक समर्थित सेवाओं को समझाइए।